لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلم حياة الإسلام وعماد الدين صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه سبحان الله سبحان الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم मिंबर पर रौनक अफरोज उस्ताद गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा हाफिज़ उकारी मोहम्मद इस्माइल यारलवी साहब वो जामिया कादरिया नजमुल उलूम के जमी असातज़ाए किराम जामिया आले रसूल के जमी असातज़ाए किराम वो आइम्मे मसाजिद हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राय खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक्के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनी से बेकसा चारा साजे दर्द मंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौ बहार शफात शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबल मौलाए कुल खत्म रसुल खुसरव खूबा सयाह लामका वजह कुन्हाना दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फख्री मौजूदात हुजूर मदी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरीके से पढ़ाएं बुलंद आवाज से पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गुंचे जो चटके थे मा अवहादना के बाग बाग में गुंचे जो चटके थे मा अवहादना के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। क्या बात है सुभान अल्लाह। और ऐसा उम्मीद किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद ऐसा उम्मीद किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो सुभान अल्लाह ऐसा उम्मीद किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो क्या किफ़ायत उसको रब्बुकल अकरम नहीं क्या किफ़ायत उसको रब्बुकल अकरम नहीं। आज की ये महफिल सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शोबे मदारिस के तहत जो चार मदारिस जामियात की शक्ल में चलते हैं उसके बच्चों और बच्चियों के लिए
दस्तारबंदी के हवाले से इनकात पजीर है। असल गुफ्तगु तो आप हजरात इंशाल्लाह हमारे खुसूसी मेहमानान किराम से समात करेंगे। जितनी देर में मेहमान हजरात तशरीफ़ लाते हैं, थोड़ी देर जिस आयाए करीमा की तिलावत की गई है और जिस हदीस मुबारका को पढ़ा गया है उसके मुतालिक कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल की जाए। अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया के अंदर तन्हा इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने काले और गोरे के फर्क को खत्म किया, जिसने अरबी और अजमी के फर्क को खत्म किया, जिसने गरीब और अमीर की तफरीक को खत्म किया, जिसने शाहो गदा के दरमियान खिंची हुई इम्तियाजी मगरूराना लकीर को हरफ गलत की तरह मिटा करके खत्म किया। इस्लाम वो मजहब है किसी पूर्वी को किसी पश्चिमी पर, किसी पश्चिमी को किसी पूर्वी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं देता। अगर फजीलत है तो कुरान दो चीजों की बुनियाद पर फजीलत बयान करता है। एक मकाम पर कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाही अत्काकुम के फर्क वही है, यानी अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और दूसरे मकाम पर फरमाया हल यस्तवी लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, क्या अनपढ़ और पढ़े लिखे, क्या इल्म वाले और इल्म न रखने वाले, क्या जानने वाले और न जानने वाले, दोनों बराबर हो जाएंगे? आप अंदाजा फरमाएं। एक मकाम पर तकवा की बुनियाद पर फजीलत बयान की गई और एक मकाम पर इल्म की बुनियाद पर फजीलत बयान की गई। इससे क्या पता चला? हालांकि दोनों का माहसल एक ही है, इसलिए कि जहां इल्म होगा वहीं तकवा होगा। इल्म के बगैर तकवे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बहुत से ऐसे खुद साख्ता मुत्तकी हैं जहां पर इल्म नहीं है लेकिन वो बात तकवा की करना चाहते हैं और गुमराही के दलदल में फंस जाते हैं। आओ, तकवा है कहां? असल तकवा कहां है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा कि बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई है, यानी अहले इल्म के पास, अल्लाह के अल्लाह अहले इल्म के पास खुदा की खशियत मौजूद है, अल्लाह का खौफ मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसीलिए इस्लाम ने सबसे पहले जो दर्स दिया उसूल इल्म का दर्स दिया अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहसिन इंसानियत पर, मुअल्लिम कायनात पर, आलिम मा काना व मा यकून पर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई। कुरान कहता है इक्रा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले इस्लाम पढ़ने की बात करता है, पढ़ने का हुक्म देता है। आइए आपको बताऊं, आज लोग मसाइल का रोना रोते हैं। देखो माँ बाप की नाफरमानी क्यों है, अगर आप उसकी डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। इल्म नहीं है इसीलिए माँ बाप की नाफरमानी की जा रही है। अल्लाह अकबर, लोग जराइम पेशा क्यों होते जा रहे हैं? इल्म नहीं है इसीलिए जराइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चोरी क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। फिरका वारियत क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर, जराइम क्यों बढ़ रहे हैं? इल्म न होने की बुनियाद पर। गुर्बत क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। फहाशी क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर, कसरत से मुस्लिम माशरा तलाक का शिकार क्यों है? इल्म न होने की बुनियाद पर। शौहर बीवी का हक अदा नहीं करता, इल्म न होने की बुनियाद पर। बीवी शौहर के हुकूक अदा नहीं करती, इल्म न होने की बुनियाद पर। आप कहेंगे ये कैसी बात
बात है। हाँ हाँ आपको मैं बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो इंसान जिसको पता हो कि तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरी जहन्नम भी है, तो मुझे बताओ कोई इंसान इल्म रखने के बाद क्या कभी अपनी माँ की तौहीन करेगा, क्या कभी अपने बाप की बेअदबी करेगा? अल्लाह हो अकबर, अगर किसी को पता चल जाए कि तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, तो क्या कोई जन्नत के दरवाजे को छोड़ने की कोशिश करेगा? अगर किसी को पता चल जाए कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, तो कोई माँ के कदमों को छोड़ करके कहीं और जाने की कोशिश करेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इल्म होगा और उसको पता चलेगा कि माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा जो देख लेता है, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, तो मुझे बताओ क्या कोई अपनी माँ को घूर के देखेगा, कोई अपनी माँ को बड़ी आंखें करके देखेगा, कोई अपनी माँ को जो है अल्लाह हु अकबर जुल्म की निगाह से देखेगा? नहीं नहीं, अल्लाह हु अकबर, जिसके पास इल्म है वो माँ बाप का कद्रदान भी है। इसीलिए आप देखें, एक दुनियादार और एक दीनदार में फर्क ये है कि दुनियादार कितना भी बुलंद हो जाए, माँ बाप का एहतराम उसकी नजर में वो नहीं होता जो एक दीनदार का होता है, और दीनदार कितना ही गिर जाए अल्लाह हु अकबर लोगों की नजर में, लेकिन माँ बाप का इकराम, माँ बाप का अदब, आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े बड़े मंतिकी और फलसफी उस तरह माँ का एहतराम न कर सके जैसा मेरे नबी का एक दीवाना हजरत उवैस करनी माँ का एहतराम करते नजर आते हैं। आप फर्क देखें, अल्लाह हु अकबर, जो तजीम और तकरीम उस दीवाने की जिंदगी में नजर आती माँ के हवाले से, क्या किसी मंतिकी की जिंदगी में देखा, क्या किसी फलसफी की जिंदगी में देखा, क्या किसी साइंसदान की जिंदगी में देखा, क्या किसी ज्योग्राफी के माहिर की जिंदगी में देखा? याद रखें, हम उस इल्म के हुसूल की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस इल्म को हासिल करें जो इल्म अल्लाह की मारिफत अता करे, जो इल्म हुकूक-ए इलाही की बात करे, हुकूक-ए मुस्तफा जाने रहमत की बात करे, इंसानों के हुकूक की बात करें। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, देखो आज इल्म नहीं है इसलिए लोग अपनी बीवी पे जुल्म कर रहे हैं। अगर इंसान के पास इल्म होगा तो क्या वो ये हदीस पढ़ेगा कि अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी बीवी को गाली दी और अपनी जबान से अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाई और तकलीफ पहुंचाकर उस पे जुल्म किया, कयामत के दिन अगर वो रोजाना रात को खड़े रहकर इबादत करता था और हर दिन रोजा रखता था, उसके बावजूद भी उसके आमाल को रद्द कर दिया जाएगा और उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। यानी बीवी पे जुल्म करने की बुनियाद पर भी एक इंसान के आमाल अकारत हो जाएंगे, एक इंसान के आमाल बर्बाद हो जाएंगे और वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अब बताओ, इल्म नहीं है इसलिए लोग बीवी को पैर की जूती समझते हैं। इल्म नहीं है, कोई मार रहा है, कोई माँ बहन की गालियां दे रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, पता चला इल्म न होने के नुकसानात क्या है। इसी तरीके से आप देख लें, उम्मत में जो फिरका वारियत है, फिरका वारियत की वजह भी यही है कि इल्म नहीं है। अगर इल्म होगा तो लोग रसूलुल्लाह को वैसा मानेंगे जैसा कुरान ने कहा है, या वैसा मानेंगे जो 1857 के बाद कांटे पेरे गए हैं। इल्म नहीं है उस वजह से लोग इस तरीके की बात करते हैं। तो मेरे प्यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो अहले इल्म ने क्या बात की और अल्लाह अकबर 1857 के जिहालत की बात क्या हो रही है। अहले इल्म तो कहते हैं ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, और जिहालत क्या बक रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला इल्म बड़ी अजीम चीज है। इसीलिए मेरे आका ने ने फरमाया, रात के मुख्तसर वक्त में इल्म का हासिल कर लेना पूरी रात जाग कर नफल इबादत से बेहतर करार दिया गया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन आज मुस्लिम उम्मा इल्म से कोसों दूर है, जहालत की वादियों में भटक रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश यही है कि हमारी कौम दुनियावी उलूम भी हासिल करे और दुनियावी
उलूम के साथ साथ दीनी इल्म, सबसे पहले कुरान का इल्म, जरूरियात दीन का इल्म, अल्लाह अकबर हदीस का इल्म, फिक्र का इल्म, ये सारे उलूम हासिल करें। देखो आप गौर करो, जितने लोग बैठे उनकी तवज्जो चाहता हूँ, बताओ 30-35 साल की उम्र हो गई, क्या लोगों को वजू करने का तरीका आया, क्या लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका आया, नमाज में कितनी आवाज से पढ़ना चाहिए और कितनी आवाज से क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ क्या पढ़ना चाहिए। याद रखें, सिर्फ सर को उठाकर जमीन पे रखने का नाम नमाज नहीं है, बल्कि नमाज के कुछ आदाब हैं। कुछ लोग तो जहालत की बुनियाद पर ये कहते हैं, इल्म नहीं इसीलिए कहते हैं। मौलाना कैसी भी पढ़ो अल्लाह कबूल करने वाला है, अगर कैसी भी पढ़ो चल जाती तो फिर अल्लाह अपने महबूब को क्यों भेजता। अल्लाह फरमाता जैसे आए वैसे पढ़ो, महबूब को क्यों भेजा गया, बल्कि महबूब को भेजा गया और महबूब से कहलवाया गया कैसी भी नहीं चलेगी, सल्लू कमाराई तुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ते देखते हो वैसे नमाज पढ़ा करो, अदाए मुस्तफा जान रहमत के मुताबिक नमाज पढ़ा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है नबवी नमाज है, और जैसे देखा वैसे पढ़ो। ये भी एक खास बात है, रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, जैसे मुझे देखते हो राई तुमूनी मुझे जैसे देखते हो पढ़ते वैसे पढ़ो। ये नहीं फरमाया मेरी तरह पढ़ो, क्या फरमाया मुझे जैसे देखते हो। अरे देख लो तो यही कमाल है, वरना रसूलुल्लाह की तरह तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता, बल्कि जैसा कलमा रसूलुल्लाह पढ़ते थे अगर वैसा कलमा उम्मत ही पढ़े तो काफिर हो जाए। हम कहते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और हुजूर कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। देखा हुजूर का कलमा भी हमारी तरह नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान किया, जैसे मुझे देखते हो पढ़ते वैसे पढ़ो, मतलब अपनी मर्जी से ठोकम ठाक नहीं चलेगी। इसलिए इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो, और इल्म असल इल्म ये है जिसे इल्म दीन कहते हैं। इल्म दीन की तरफ आओ और अपने बच्चों को कम से कम इतना इल्म सिखाओ कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है उन्हें पता चले। वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, तहज्जुद कैसे पढ़नी चाहिए, इसी तरीके से नमाज जनाजा कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी यानी नींद से उठने से लेके सोने तक जितनी जरूरियात जिंदगी के मसाइल हैं वो सारी चीजें एक मुसलमान को आना चाहिए। और बहुत सी चीजें हैं, देखो इल्म नहीं है तो मसाइल है, इल्म नहीं है तो मसाइल है, इल्म हो तो सारे मसले खत्म है। एक आसान जबान में समझाएं, एक मर्तबा एक शख्स ने कसम खा ली, कसम ये खाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि वैसी इबादत रूए जमीन पर मेरे सिवा कोई नहीं कर रहा हो, मैं इबादत ऐसी करूंगा कि उस टाइम में वो इबादत मैं अकेले कर रहा हूं और रूए जमीन पर कोई ऐसी इबादत मेरे करते वक्त उस इबादत में कोई दूसरा शरीक उस अमल में शरीक नहीं होना चाहिए। और फिर उसने बढ़ के कहा अगर ऐसा न कर सका, अपनी कसम पूरी न कर सका, तो उसने अपनी बीवी के लिए 3 तलाक की कसम खा ली। अब मसला पूछा गया कि भाई कोई ऐसी इबादत है कि जो बंदा अकेले करे और दूसरा ना करे, तब इबादतों की फेहरिस्त में उठा ले, जैसे रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी इबादत है। मगर क्या जरूरी है कि जो मालेगांव में ये काम कर रहा हो सऊदी में उस वक्त वो काम ना कर रहा हो, यमन में उस वक्त वो काम ना कर रहा हो, दूसरे शहर में ना कर रहा हो, मुस्कुराना भी इबादत है।
हो सकता है ये यहाँ मुस्कुराओ तो पूरी दुनिया में कोई ना मुस्कुराए। नमाज भी इबादत है, नमाज पढ़ रहा हो सकता है ऐसा है कि पूरी दुनिया में कोई ना कर रहा हो, लेकिन कसम तो पूरी करनी है। सबके दिमाग ठिकाने पर आ गए और सब परेशान हो गए कि जवाब क्या दें। तो किसी ने मशवरा दिया, देखो अच्छे डॉक्टर की पहचान ये है कि उसके पास जिस मरीज का इलाज ना हो वो रहनुमाई कर दे कि फुला के पास चले जाएं। ये आसान तरीका है, जबरदस्ती उसको जो है वो तख्ते मश्क ना बनाए। यही बात है उस दौर के, और अच्छे आलिम की पहचान ये है कि जो इल्म उसके पास ना हो वो अपने बड़े आलिम की तरफ रहनुमाई कर दे। तो उस वक्त ऐसा ही हुआ, जब लोगों की अकलें ठिकाने आ गई, मसला समझ में नहीं आया, अकलें जवाब दे गई, तो फिर किसी ने कहा इस मसले को कोई हल कर सकता है इस दौर में, तो वो आया तुम मिन आयातिल्लाह हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की दलील, कयासुल कौनैन, गौसुल आरिफीन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जाओ उनसे जाकर मसला पूछो, वो बताएंगे। याद रखना कि इल्म इंसान पढ़ता है लेकिन अल्लाह फहम जिसको ज्यादा देता है वो उसमें से ज्यादा निकात निकालता है। लोग मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा से पूछते थे, अली क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कोई और कुरान अता किया है हमारे सिवा, और कोई किताब अता की है? कि हमारे पास किताब अलग है, आपके पास किताब अलग है। तो मौला अली ने फरमाया अल्लाह के सत की कसम जो कुरान तुम्हारे पास है वही कुरान हम अहले बैत के पास भी है, बस बात इतनी है कि अल्लाह ने हमें लोगों से फहम ज्यादा अता फरमाया है, इसलिए फहम की बुनियाद पर ये बातें सामने आती है। अल्लाह हू अकबर। मौला मुश्किल कुशा का वो शहजादा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, उस दौर में आप इफ्ता की मसनद को जीनत दे रहे थे और चारों मसालिक की अल्लाहू अकबर बुनियाद पर आप फतवा देते थे। हनफी भी, मालिकी भी, शाफई भी, हम्बली भी, अल्लाहू अकबर इतने बड़े मुफ्ती थे। आजकल तो वली होने के लिए जंगलों में बैठना जरूरी समझा जाता है, आजकल तो वली कहलाने के लिए गांजा चरस और कब्रस्तानों में नजर आना जरूरी समझा जाता है। याद रखो विलायत हवा में उड़कर नहीं मिलती, बल्कि विलायत तो शरीयत पर इस्तिकामत पर डटने की वजह से मिलती है। अल्लाह अल्लाह, लोग शरीयत को छोड़कर के हवाओं में उड़ने की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हुजूर एक औसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जब ये मसला आया कि एक शख्स ने ऐसे कसम खाई कि वो जो भी इबादत करे तो उस वक्त वो इबादत दुनिया में कोई ना कर रहा हो, अगर वो ऐसा ना कर सके तो उसने बीवी को तलाक की बात की है, गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया बात तो बड़ी आसान है। देखो जहां सबके दिमाग की जो है वो धड़कने, सबके दिमाग के मामला जो हैं अल्लाह हू अकबर, बल्कि सबके दिमाग की कैफियत गुमशुदा मामलात में चली गई, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, कलम रुक रुक गए, सांसें ठहर ठहर गई, दलीलें जवाब दे गई, अहले इल्म की अकलें घुटने टेक गई। वहां गौस पाक बहुत नॉर्मल अंदाज से कहते हैं बात तो बड़ी आसान सी है, एक काम किया जाए, इसको मक्का रवाना कर दिया जाए, और मक्का रवाना करने के बाद मताफ में जितने लोग तवाफ कर रहे हैं उन सबको रोक दिया जाए और इसको बोलो कि ये अकेला तवाफ करे, जब ये तवाफ कर रहा होगा तो उस वक्त तो कोई तवाफ नहीं करेगा, इस तरह इसकी बीवी जो है तलाक से बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म ना होने की बुनियाद पर कितना मुश्किल था मसला, कितना मुश्किल था, लेकिन इल्म वाले ने उसको कैसे चुटकियों में आसान कर दिया। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इल्म की बरकतें हैं, इसलिए इल्म की तरफ आओ। मसाइल हमारे लिए इसलिए पैदा हो रहे कि इल्म नहीं है। यहाँ बात आई गौसे आजम की तो मुझे इमाम आजम भी याद आ गए, हमारे इमाम इमामुल अइमा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नुमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला, बहुत खूबसूरत बात याद आई। दरअसल उनके उस्ताद थे हजरत सैयदी इमाम आमश रजी अल्लाह ताला अन्हो, इल्म बहुत था, तो बुढ़ापे में बड़े चिड़चिड़े हो गए थे। याद रखिएगा कभी कभी ऐसा होता है इल्म की गर्मी की वजह से इंसान की तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है, हो सकता है, कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि हर इल्म वाला चिड़चिड़ा हो, लेकिन हो सकता है ऐसा होता है। बल्कि बाज़ सूफिया ने कहा कि इल्म की गर्मी का
असर कभी कभी इंसान की अपनी तबीयत पर जाहिर होता है, बात सूफिया कहते हैं। वरना असल इल्म की पहचान तो ये है, जहां इल्म होगा वहां हिल्म होगा, हिल्म से इल्म की पहचान होती है। लेकिन बहरहाल कभी कभी इंसान में चिड़चिड़ापन होता है, कोई मायूब बात नहीं है। फूलों के साथ डंठल में कांटों का आना एक फितरी चीज है, और फूलों के साथ कांटों का आना लोगों को ऐब लगता है, लेकिन मैं उसको ऐब नहीं समझता। इसलिए कि कांटे ही तो करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। इसलिए कि अगर डंठलों में कांटे ना हो तो फिर किसी जालिम के हाथ अल्लाह अकबर उसको मसल न देंगे। तो उस जालिम के हाथ से बचने के लिए जो है वो फूलों के डंठल में कांटे होते हैं। अल्लाह ने हर चीज हिकमत के तहत पैदा की है, हकीम की हर काम में हिकमत है। एक मर्तबा हजरत इमाम आमश जो थे, तो इमाम आजम के उस्ताद इमाम आमश चिड़चिड़े हो गए। चिड़चिड़े होने की बुनियाद पर बड़ी बी से रोजाना कुछ ना कुछ जिग-जिग तक तक होती रहती। बीवी से कुछ, बीवी भी बूढ़ी हो गई थी, ये भी बूढ़े हो गए, कुछ चिड़चिड़ापन दोनों में आ गया था। तो रोजाना कुछ ना कुछ चलता रहता था। एक दिन इमाम आमश का उनकी बीवी से कुछ अनबन हुई। अब आप कहेंगे इतने बड़े आलिम भी लड़ते थे। मैंने कहा कि मियां बीवी का जहां झगड़ा ना हुआ जिंदगी में लुत्फ नहीं। लेकिन आप कहेंगे क्या बात करते हैं, कहां मियां बीवी में झगड़े के बाद जो बात होती है ना, फिर वो मोहब्बत मेराज पे पहुंचती है ना। मेराज का समा होता है मोहब्बतों के अंदर, इतनी उरूज पर। और जहां झगड़ा होकर दूरियां हो जाए वो मायूब है। जिस झगड़े में झगड़े के बाद सब लड़ने वाले हंस रहे हैं, देखिए क्या बात है। वाह वाह क्या बात है भाई। कोई भी तो लड़ सकता है ना। वो हुजूर इमाम हजरत सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, अल्लाह पाक ये सारा मुझसे लड़ती है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम सब्र कर, क्योंकि मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया। ये इमाम फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा, आपने शिकायत की। हाँ ये बात है। तो बात दूर निकल ना जाए कि झगड़े के बाद दूरियां हो जाए ये मायूब है, लेकिन झगड़े के बाद फिर नई मोहब्बत का आगाज हो ये, जैसे मिसाल के तौर पे सूरज जब डूबता है, तवज्जो इस तरफ रखिए, जो भी आएगा बेटा इधर ही आएगा। ए बाबू मदरसे के बच्चों से ये आपके काम की बात है, जो भी आएगा इधर आएगा, दुरूद शरीफ पढ़े आप, ऐसा नहीं करें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على عباد محمد صلاه و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم झगड़े के बाद गाली गलोच हो जाए, दूरियां हो जाए, तलाक तक नौबत आए, ये मायूब है। लेकिन झगड़े के बाद फिर नई मोहब्बत का आगाज हो, फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर वहां कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती। तो वो कभी कभी जैसे दूध उबलता है, अगर इतना उबल जाए कि हांडी से गिर जाए तो नुकसान है, लेकिन उबलने के बाद अगर बैठ जाए तो उस दूध के अंदर लज्जत पैदा होती है। तो मियां बीवी का झगड़ा उबलते हुए दूध की तरह होता है, कंट्रोल कर लेना पड़ता है इससे पहले कि वो दूध उबलकर हांडी के बाहर जाए। हांडी ही में नीचे की तरफ बैठ जाए तो उसके अंदर एक नई लज्जत पैदा होती है, नया लुत्फ पैदा होता है, और फिर वही गर्मी उसके लिए बालाई का सबब बनती है। जिसको हम मलाई कहते हैं उस बालाई का सबब बनती है। अगर दूध गर्म ना हो तो बालाई नसीब कहां से होगी, मलाई कहां से मिलेगी। हर गर्मी के बाद जो है वो मलाई नसीब होती है। आप समझे, यही मियां बीवी की मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ऐसा मत, इसको दलील बना के लड़िए का मत, लड़ाई हो जाए तो उसको सॉल्व करने की मोहब्बत। और एक बात याद रखना, रूट के बैठना औरतों का काम है, मना लेना ये मर्दों का काम है। अब यहां से ये भी तय कर लेते हैं, जो रूट आए उसको औरत कहते हैं, जो मना ले उसको मर्द कहते हैं। इसलिए रूठा ना करो बल्कि मनाया करो। मनाने की भी एक नई लज्जत है, नया लुत्फ है। अल्लाह हू अकबर। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। बहरहाल इमाम आमश का कुछ जगजग तक तक भी रोज होती थी। एक दिन बुढ़ी बी ने सोच लिया, आज इमाम लड़ेंगे और लड़ने के बाद कुछ बात हो जाएगी तो आज हम फिर अपना रंग दिखाएंगे। औरत तो औरत ही है, किसी की भी हो,
अल्लाह अकबर। इमाम ने लड़ाई करते करते कहा बस बहुत हो गया तुम्हारा, जो भी उन्होंने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, अब सुनो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल पैटर्न डायलॉग होता है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मुझसे बात नहीं करना, और सुना अगर आज रात तुम खुद बात ना करो फजर की अजान से पहले पहले, अगर आज फजर की अजान से पहले पहले तुम खुद बात ना करो तो फिर तुम पर तलाक है। कैदी बात उन्होंने झगड़े में कहा मैं बात नहीं करूंगी आपसे, मैं भी नहीं करूंगा तो तुम्हें को करना पड़ेगा। अब तुम ही में निकला तो इन्होंने कह दिया फजर तक टाइम है, अगर बात नहीं करोगी तलाक है। बड़ी बी ने ठान लिया बहुत अच्छा रास्ता निकल गया, फजर तक बात नहीं करना, सुबह को भाई के घर जा करके बुढ़ापा आराम से गुजारना, छोड़ देंगे मामे आमश को। अब ये कनीस को लगा रहे, इसको लगा रहे, कोई ना कोई हीला निकल आए कि भाई ये बात कर ले, क्योंकि अगर ये फजर तक बात ना करे तो हो जाएगी क्या, तलाक हो जाएगी। जब सब तरफ से दरवाजे बंद नजर आए, बड़ी बी ने भी ठान लिया कि बात नहीं करेंगे, अब तो भाई के घर ही चले जाएंगे तलाक पाकर। तो इमाम आमश को खुद ख्याल आया कि बड़ी बी आज अपने रंग में है तो हमें कुछ करना, अगर खुद बात करते हैं तो भी तलाक बाकी हो रही है ना, और अगर वो नहीं करती है तो भी दोनों तरफ से यानी मामला हाथ से जाता। वो गए इमाम आजम के पास चलकर, यही शान है मेरे इमाम आजम, सुभान अल्लाह, जिसके असातजा जिसकी तरफ रुजू, क्या बात है सुभान, ये इमाम आजम की शान है। इमाम आजम वो अनीबा के पास गए, कहा नोमान ऐसा ऐसा हो गया और ऐसा मसला है, बड़ी भी रंग में है और वो बात करना नहीं चाहती, हम कोशिश कर चुके हर तरफ से। इमाम आजम ने फरमाया हजरत आप तशरीफ ले जाए, इंशाल्लाह तलाक नहीं होगी, जाइए आप, बहुत एतमाद के साथ फरमाया जाओ तलाक नहीं होगी हजरत। आप जाए तलाक वाकई नहीं होगी। अच्छा, इतना एतमाद था इमाम आमश को इमाम आजम पर कि इन्होंने कह दिया अब तलाक नहीं होगी। ये गए, अब देखना इल्म की रंग, इल्म का रंग, इल्म की रानाइयां, इल्म की बरकतें। और ये भी याद रखना अल्लाह से इल्म मांगो तो फैजान उलूम भी मांगो और इल्म नाफे मांगो अल्लाह हो अकबर। क्योंकि कुछ लोग इल्म का मिसयूज करते हैं, इल्म एक टॉर्च की तरह है, टॉर्च अगर आप किसी रहबर के हाथ में दे दें तो वो लोगों को कांटों से बचाए, किसी रहजन के हाथ में दे दें उसी रोशनी से वो लोगों के घर में चोरी करता फिरे। तो हाथ की बात है, इल्म बड़ी चीज है, लेकिन इल्म के साथ दिल की सफाई हो, इल्म के साथ ईमान हो, इल्म के साथ इश्क रसूल हो, इल्म के साथ शराफत हो, इल्म के साथ अल्लाह रसूल की इताअत हो, फिर इल्म बहुत बुलंदी पर ले जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हजरत जाए इंशाल्लाह तलाक वाकई नहीं होगी। हजरत तो बहुत मुतमईन होकर घर चले गए, आपने शागिर्द को बुलाया, ये किसी को नहीं बताया, शागिर्द को बुलाया, कहा इमाम आमश के घर के बाजू में जो मस्जिद है पता है तुम्हें कहां पता है, कहा आज सुबह सादिक से कुछ देर पहले उनकी बाजू की मस्जिद के मीनार पे खड़े होना और जोर से आवाज अजान पढ़ना, ठीक है अल्लाह अकबर। और फिर वो चले गए, अभी सुबह सादिक का वक्त का इंतजार इनको भी था, बड़ी बी को भी था, इमाम आमश इत्मीनान में है कि चले उन्होंने कह दिया है तो कुछ होना नहीं है। रात गुजरती जा रही थी, मसाइल गंभीर होते जा रहे थे, मसला जो है बहुत गंभीर की शक्ल गंभीरता की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। ऐसे में सुबह सादिक से कुछ देर कबल इमाम आजम का शागिर्द जोर से कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बड़ी भी सामने आती अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब अजान हो गई, सुबह सादिक हो गई, और आपने कहा था सुबह सादिक से पहले अगर तुम बात ना करो तो तलाक, हम तो बात नहीं की आपसे, अब सुबह सादिक हो गई, अब हम जा रहे हैं। इमाम आजम ने दरवाजे पर दस्तक दी, उस्ताद मुबारक हो अभी तलाक वाकई नहीं हुई क्योंकि सुबह सादिक शुरू होने में अभी वक्त बाकी है और इन्होंने सुबह से पहले आपसे बात कर ली, मामला खत्म हो गया और आपकी अहलिया तलाक से बच गई। मेरे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, ये इल्म की बरकतें हैं, काश के मुसलमान इल्म की तरफ आए। लेकिन इतना गहरा इल्म हम कहां हासिल करें, जिस कौम को नमाज रोजे का इल्म नहीं है, जिस कौम को अल्लाह अकबर जकात और सदकात का इल्म नहीं है। बल्कि अब तो हालत ये है, लोग हम लोगों को कहते हैं हजरत जरा हमारे मोहल्ले में आके तकरीर करो, मोहल्ले में जिहालत बहुत आम हो गई है, बहुत जिहालत की बातें लोग कर रहे हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह,
अल्लाह ऐसी जिहालत दूर करने का आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ, काश के आप भी जिहालत को जिहालत समझ करके अपनी जिहालत दूर करने की कोशिश करते। लेकिन कितने अफसोस का मकाम है, जो कौम तलफुजात से नावाकिफ हो, जो कौम कलमे तैयबा के तर्जमे से नावाकिफ है, अल्लाह अकबर, वो कौम इज्जत कैसे पाएगी, वो कौम वकार कैसे पाएगी। याद रखना, हमारे यहाँ जितनी बड़ी हस्तियां थी सबको अल्लाह ने इल्म से नवाजा था, हर बरगजीदा बंदा इल्म में यक्ता था। आप देखते चले जाएं, हमारे नबी इल्म के शहर हैं, अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी ने इल्म के शहर में जो इल्म की खैरात तकसीम फरमाई, सैयदना सिद्दीक अकबर इल्म के मामले में बेमिसाल, फारूक आजम इल्म के मामले में बेमिसाल, उस्मान गनी इल्म के मामले में बेमिसाल, मौलाए कायनात को बाबे मदीनतुल इल्म बनाया। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबिदीन, उनके वक्त में उन जैसा इल्म वाला आप तलाश करें। उसी उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनका नाम मोहम्मद, लेकिन बाकिर क्यों कहते, क्योंकि बाकिर का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला। अल्लाह अकबर, अब बाकिर का मतलब चीर फाड़ करने वाला क्या, यानी कोई मसला उनके सामने लाया जाता तो इस कदर उसकी बारीकियां बयान फरमाते और उसको इस तरीके से समझा करके रख देते कि लोग कहते इन्होंने तो इसको चीर फाड़ करके रख दिया, यानी जैसे कोई चीज चीर फाड़ के रखी जाती है। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक को आप देखें, इमाम आजम जिनका जिक्र आपने सुना, वो इमाम आजम कहते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक की सोहबत ना होती तो नौमान हलाक हो गया होता। आप देखते चले जाएं, अल्लाह अकबर, गौस पाक का इल्म देखें, अभी आपने सुना, गरीब नवाज का इल्म देखें, अल्लाह अकबर, जो हिंदुस्तान आने से पहले मस्जिद नबी में दर से हदीस दिया करते थे, मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, मुस्लिम माशरे में कोई जाहिल था ही नहीं, ये सारी नौसते जिहालत की है। जिहालत की वादी से निकलो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बल्कि आपसे कहता हूं इल्मे दीन भी पढ़ाओ, इल्मे दुनिया भी पढ़ाओ, और इल्मे दुनिया इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि दीन और दुनिया में भी कोई कौम हमसे इल्म में आगे ना हो सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, आज दीन का इल्म ना होना और सिर्फ दुनिया का इल्म होना, उससे भी जिहालत खत्म नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं दुनिया का इल्म हासिल कर लिया लेकिन खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, बल्कि आजकल तो दुनियावी इदारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं बाज़ाब्ता वहां से बेपर्दगी, सबकी बात नहीं करता लेकिन ज्यादातर बेपर्दगी, इल्हाद, बेदीनी, आप देखते चले जाएं। आजकल हाल ये है, गैदरिंग के नाम पे पब्लिक जमा करते हैं, माँ बाप जमा करते हैं और उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों को गानों पर नचाते हैं। बाज़ाब्ता स्कूल के अंदर गैदरिंग के नाम पर, सालाना फंक्शन के नाम पर बेटियों को गाना गाना सिखाया जा रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो मदरसे, वो स्कूल्स जो इंसान को संवारने के लिए थे, अल्लाह अकबर, किसी ने कहा था ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, जहाँ इंसान इंसान बनने आया था, अगर वहीं हैवानियत का दर्स दिया जा रहा है, कहीं तो हाल ये है जवान जवान बेटियों को तीन तीन दिन के टूर पर ले जा करके, अल्लाह अकबर, बेपर्दा उनको सैर कराई जा रही है, नौजवान लड़के और लड़कियाँ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। आपसे पूछता हूँ इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, यानी जो इदारे बने थे संवारने के लिए, बिगाड़ जब वहीं से पैदा होगा। मां की गोद बच्चे की पहली दर्शगा थी, मां की गोद बिगड़ी, इदारे बिगड़े। याद रखिए, जब इदारे बिगड़ेंगे तो कौम का क्या हाल होगा। मगर याद रखना ये क्यों है, इसलिए कि बहुत सारी जगह पर इदारे चलाने वालों में दीन नहीं है, दीनदारी नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, खुदा की खशियत नहीं है। आप मुझे बताए हमारे यहाँ गानों का क्या तस्वुर, हमारे यहाँ नाच का क्या सबुर, नहीं नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखना, बच्चों को कितनी भी हमने बड़ी से बड़ी दुनिया की डिग्री दे दी लेकिन अगर दीन उनको नहीं पढ़ाया, दीन उनको नहीं समझाया, दीन उनको नहीं पिलाया, तो याद रखना कब्र में सिसकियां लेते रहोगे, कब्र में बेचैन रहोगे, कब्र में बेकरार रहोगे। अंबिया की फिक्र क्या थी, जब हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़े थे तो 9 या 10 साल की उम्र के थे, और जब मिले थे तो
यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप भी और दादा भी बन चुके थे। जब यहूदा ने अपने भाइयों को कहा कि जब अब्बा के पास मैं कुर्ता लेकर के गया था यूसुफ का और गम की खबर सुनाई थी कि यूसुफ को भेड़िया खा गया और बाप को मैंने रुलाया था, मैंने बाप को गमगीन किया था, अल्लाह हू अकबर अब यूसुफ मिल गए हैं, खुशी की खबर लेकर के मैं ही जाऊंगा अब्बा के पास और बताऊंगा कि यूसुफ मिले हैं और इस हाल में मिले हैं कि वो बादशाह हैं। अल्लाह हू अकबर जब यहूदा आए और आने के बाद कहने लगे बाबा मुबारक हो मुबारक हो, यूसुफ मिल गए हैं और इस हालत में मिले हैं कि वो बादशाह हैं। हजरत याकूब जिन्होंने 50 साल तक बेटे की मोहब्बत में रो रो कर आंखें सफेद कर दी थी, आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी, जब बेटे की बात सुनी कि यूसुफ मिल गए हैं और मिस्र के बादशाह हैं तो तब गुस्से में आके कहा चुप ओ यहूदा, कुछ खामोश रहे, चुप कर, ये क्या कहता है कि यूसुफ मिल गए और बादशाह है? अरे बादशाह का बाप होना मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है, ये बता कि वो मुसलमान है या काफिर हो गया? अगर वो मुसलमान है तो शुक्र का मकाम है और अगर काफिर हो गया तो उसके मिलने से ना मिलना बेहतर है। अल्लाह अकबर। तब बेटे ने कहा बाबा मुबारक हो, वो हम भाइयों से बेहतर मुसलमान है। तब हजरत याकूब ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि 50 साल के बाद भी मेरा बेटा दीन पर कायम है। आपसे पूछना चाहता हूं, बादशाह का बाप होना, डॉक्टर का बाप होना, इंजीनियर का बाप होना, टीचर का बाप होना, लॉयर का बाप होना, जस्टिस का बाप होना, ये दुनिया के लिए तो फख्र की बात हो सकती है, कब्र में कोई फख्र की बात नहीं हो सकती। सब डिग्रियां कब्र के बाहर है और कब्र के अंदर जो डिग्री जाएगी, कुरान कहता है वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की जरूरत है और जब तक के दीन नहीं पिलाएंगे, जब तक दीन नहीं पढ़ाएंगे, उस वक्त तक अपने बच्चों को हम मुसलमान नहीं बना सकते। आज हमारे बच्चे हैरान हैं, दीन के मामले में बहुत से नौजवान बदगुमान हैं, ये इस्लाम में क्यों है, ये इस्लाम में क्यों है, वो इस्लाम में क्यों है, हालांकि इल्म न होने की वजह से वो परेशान है। जिस दिन उनके पास इल्म आएगा उनको पता चलेगा कि वल्लाह हमारे मजहब के कानून में जो खूबी है वो खूबी कहीं हो ही नहीं सकती। जैसे मिसाल के तौर पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, समझना, आज ट्रिपल तलाक को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत हंगामा है। तीन तलाक क्यों, तीन तलाक क्यों, तीन तलाक क्यों, तीन तलाक, ये हंगामा है। चैनलों को देख के बहनें भी परेशान, नौजवान भी परेशान, तीन तलाक क्यों। लेकिन आपसे कहूंगा अगर आप उसके पस मंजर में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो औरतों की एहसान, औरतों पे एहसान है ये तीन तलाक का कानून। आप कहेंगे वो कैसे, तो यही है, इल्म नहीं है इसलिए परेशानी। इल्म होगा तो ईमान मजबूत होगा, इस्लाम का हुस्न समझ में। आप कहेंगे वो कैसे, तीन तलाक का कानून कैसे हमारे लिए, औरतों के लिए फायदेमंद है? बहनों की तवज्जो चाहता हूं, देखो इस्लाम आज तो नहीं आया, 1450 साल पहले आया। जिस माहौल में आया इस्लाम वो लोग कौन थे जिनके दरमियान इस्लाम आया, वो इल्म से नाशना थे? कुरान ने उनको उम्मीयीन कहा है ना, वो अनपढ़ थे, जो जिनके दरमियान आए पत्थरों की दुनिया में रहते थे। अल्लाह के घर पे 360 पत्थर रखे थे खुदा बनाकर, ये हाल था। खुदा का घर भी उन्होंने वीरान किया था, अल्लाह के घर में भी उन्होंने शिर्क किया। किस कदर जहालत थी कि खुदा के घर में शिर्क करते, अपने घर के शिर्क की बात नहीं है, खुदा के घर में जाकर शिर्क करते थे। देखा इतना माहौल खराब था, तो अब अल्लाह के साथ जो ये शिर्क करे, अल्लाह की बारगाह में जो शिर्क करे, दूसरों को शरीक ठहराए, गोबर की इबादत करे, पत्थर की इबादत करे, चूहों की इबादत करे, वो किसकी इबादत नहीं करते? हत्ता के वो लोग अपने अपनी शर्मगाहों की तक इबादत करते। खुदाओं का हाल उनके यहाँ ये था कि आटा लेके निकलते थे और जरूरत पड़ने पे उसकी इबादत भी करते थे बुत बनाकर, और उसको फिर पका के खा भी जाते थे। अजीब हाल था। हजरत तशरीफ ला चुके, ये उन्वान हम फिर करेंगे आपके सामने इस्लाम के हवाले से। अपनी बात हम मुकम्मल करते हैं, अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ताखीर हुई हजरत के आने में, इसलिए मैं, आइए सब हजरत का इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर।